हम सभी हमरिया और एवं जो कुमार झा जी घराती हैं सभी की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन। पहले सभी लोग यथास्थान बैठे हैं, महिलाएं इस साइड खड़ी हुई हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया कर स्थान ग्रहण करें। हमारे जो बराती आए हैं पनवार से, पटना से, छबरवास से, कुमार झरौली जहाँ से जो सभी लोग बराती आए हैं कृपया कर वो आदर ग्रहण करें, बैठेंगे। और जो बुंदेलखंड की परंपरा है बारा अतिथि सत्कार सेवा का वह आपकी होगी। हमारे अरे भैया फोटो वोटो नहीं तुम तो लेते हैं हाँ यहाँ ऐसा मंडप का पर क्यों, क्योंकि रुक्मणी रथ हाँक रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण पीछे बैठे हैं। रुक्मणी महारानी नौ दो ग्यारह हो गए भगवान श्री कृष्ण के संग। बताओ आज का सब ये सब हो जाते कहूँ कहूँ बोलता है आज का कहूँ हो जाते रुक्मी का रथ आके लग जाता है और रुक्मणी गाली देता है। रुक्मी भगवान श्री कृष्ण मारने के लिए आतुर हो जाते हैं तो माता रुक्मणी कहती है हे प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले क्या? बोले अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे भाई को प्राण दे, मेरे भाई को मत मारे, वो सारे साहब मारो मेरे चाहिए बता रहे सब मुझे। और तुम तो द्वारकापुरी में विधिवत माता रुक्मणी का और श्री कृष्ण भगवान का विधिवत पूजन हुआ और यहाँ भी हमारे आचार्य जी और हमारे आचार्य जी भी यहाँ यजमान की पूजन कराएंगे। और जो कन्यादान लेना चाहते हो तो वो भी रुक्मणी महारानी के पास पहुंच जाएगी और कन्यादान लेंगे। आचार्य जी हमारा पूजन करा रही है श्री रुक्मणी महारानी की और उसके पहले सुंदर जयमाला होगी। तो आइए जयमाला का आनंद लेते हैं। हरि ओम जय श्री राधे। श्री रुक्मणी को बम्होरी माला बम्होरी से पधार है हमारे बड़े प्रिय हैं बड़ा स्नेह रखते हैं और पहले ही कह दिया था हमने पंडित जी वो आज भली आने के सहयोग से पहले से बम्होरी माला बम्होरी के सरपंच श्री दौलत राय जी उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। श्री रघुबरी कमल कमल नयन को
कदम चलते चलते श्री रघु बल करते ऐसे बहुत जो छुई मुई के पलक हो जिनके सुख जय सुख जय श्री राम चरित जित मैं सीता I'm gonna go get some more.
के पूजन करना हो पूजन करके अपने स्थान पर बैठ जाए, और इसके बाद एक और भजन होगा और उसके बाद आरती होगी। सभी आरती करके जाइएगा, कोई भी अपने स्थान पर चला उठे घर की तरफ।